वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में कांचन ठोमरे का आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, आप शायद जानना चाहोगे, बहुत लोगों को ये बताने की ज़रूरत है और आपको भी पता होने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरी शॉप से लेके, ऑर्डिनरी बाज़ारों से लेके डायरेक्ट सेलिंग तक की जर्नी क्या है? तो आज ये टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हफ्ते में एक बार एक बाज़ार होता था, है ना। वहाँ पे लोग सामान लेके आते थे, कपड़ा लेके आते थे, खाने का सामान लेके आते थे, जलेबियाँ बनती थी वहाँ पे, दवाइयों की दुकान होती थी, बर्तनों के दुकान होते थे, खिलौने आते थे। तो ये था एकदम से शुरुआत जहाँ दुकानों की हुई, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि नुक्कड़ पे गांव में दुकान आ गए, मिस किराना का स्टोर है, आटा डाल चावल जहाँ पे मिलता है वो दुकान, इसी के साथ कपड़े का दुकान आ गया, इसी के साथ खाने की मीठी चीज़ें की दुकान आ गए, दवाइयों की दुकानें आ गई। तो बाद में क्या हुआ, गांव में शहरों में दुकान एक जगह पे स्थिर हो गए, है ना। और हम हर चीज़ के लिए अलग अलग दुकानों में जाते थे। अगर हमें कपड़े चाहिए तो हमें अलग दुकान में जाना पड़ता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे थोड़े से छोटे मॉल आ गए कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक जगह पे थोड़ी थोड़ी मिलने लगी। इसी दौरान बड़े मॉल आ गए, बड़े मॉल माने जहाँ पे कार भी डिस्प्ले किया है, फ्रिज भी डिस्प्ले किया है, पूरे घर का फर्नीचर भी डिस्प्ले किया है, पूरा का पूरा किचन वहाँ पे दिखाई देता है, किताबों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, कई सारी दुकानें, बड़े मॉल आ गए। लोगों को अच्छा लगने लगा, साफ सुथरा, बहुत सुंदर कांच के शोरूम जहाँ पे लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डाल के और लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहे थे, लोगों को चीज़ें दिखा रहे थे, बहुत अदब के साथ हो रहा था, पसंद आया हमें। इसको कहते हैं बड़े मॉल। तो जर्नी कहाँ से हो गई, हफ्ते में एक बार दुकान चलती थी, फिर दुकानें आ गई, फिर छोटा मॉल आ गया, फिर बड़े मॉल आ गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया मोबाइल पे शॉप। जितनी भी शॉप आप जाके विजिट कर रहे थे, जहाँ पे टच एंड फील करके चीज़ें ले रहे थे, वो सारी दुकानें मोबाइल में आ गई। फिर ऐप आ गए, अलग अलग से ऐप आ गए। पहले तो आया लोगों से मिलने का, सोशल नेटवर्किंग का ऐप, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इसी के साथ आप देखो जोमैटो आया, जो होटलों का एक नेटवर्क है जो खाना घर पे पहुंचाते हैं, ये एक दुकान मोबाइल में आया, स्विगी आया। इसी के साथ आप देखो तो बैजूस जैसा क्लास का ऐप आया, इसी के साथ आप देखो तो अमेज़ॉन आया, फ्लिपकार्ट आया। तो सारी दुकानें कहाँ पे आ गई, मोबाइल के अंदर आ गई, एक फिंगर टच पे आ गई, है ना। तो ये सारी जर्नी थी। लेकिन इसको क्या कहती है, ये जो मोबाइल में दुकानें आ गई, ये 20वीं सदी का बिजनेस था। और हर दुकान का एक ऐप हमारे मोबाइल में आ गया। अभी देखिए, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग आ गया। अभी डायरेक्ट सेलिंग का क्या है, ये जो मैंने जर्नी बताई, इसमें डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? तो डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं 21वीं सदी का बिजनेस। ये सारे जो मोबाइल में ऐप आ गए, ये क्या थे, 20वीं सदी के थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्राहक को सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा था, ग्राहक को सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा था, कस्टमर खुश हो गया, कुछ डिस्काउंट वहां से मिलने लगा। लेकिन इसके बाद 21वीं सदी का बिजनेस आया डायरेक्ट सेलिंग। ये दुकानें भी मॉल जैसी
बाहर ऑफलाइन भी है और इसी के साथ ये दुकानें ऑनलाइन में भी मोबाइल में भी आ गई ऐप के जरिए। अभी आप कहोगे कि फ़ायदा क्या, पहले तो हफ्ते में एक बार खरीदारी करते थे, हफ्ते में एक बार दुकानें लगती थी तो बैग्स लेके भाग भाग के जाके वो सामान लेके आते थे, ओके जाना पड़ता था, थैली लेके जाना पड़ता था। दूसरा क्या हुआ, नुक्कड़ पे दुकानें आ गई तो वहाँ पे भी हम जाते थे, लेके आते थे, कैश देते थे या जो भी साधन से हम खरीदारी करते थे। फिर छोटे मॉल, फिर बड़े मॉल आ गए, तो बड़े मॉलों में क्या हो गया, हम टच एंड फील करने देखने ज़रूर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद का दौर क्या आया कि बड़े मॉल में हमने जाके चीज़ें देखी है ना, लेकिन खरीदारी की हमने ऑनलाइन ऐप पे। क्यों किया ऐसे, क्योंकि बड़े मॉल से भी थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट ये ऐप देने लगे, लेकिन डिस्काउंट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जर्नी में ये जो डायरेक्ट सेलिंग के शॉप आ गए, जो ऑनलाइन के ज़रिए आ गए, यहाँ पे सचमुच ग्राहक को राजा बनाया गया। क्यों कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का बिजनेस, क्यों मैं आपको ये छोटे हफ्ते के बाजार से लेके मैं डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक सारे प्लेटफॉर्म ने डिस्काउंट दिया, वो भी मॉल में डिस्काउंट मिलने लगा, ऑनलाइन के जो ऐप आ गए उसमें डिस्काउंट मिलने लगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं मिला। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आप एक हाथ दुकान के साथ एंट्री करते हो, जैसे मान के चलो वेस्टीज का दुकान जो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है और उसका ऐप भी है, और ये ऐप से आप खरीदारी करते हो तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है ना। जैसे बाकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट मिला 2-5% का है ना, वो भी त्योहारों में, कुछ इवेंट है तो मिला, लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेस्टीज अगर आप पकड़ के चलते हो तो वेस्टीज ने क्या किया, 15-20% का डिस्काउंट दिया, जो खरीदारी कर रहे हो उसी में आपको 10% की चीज़ें फ्री दी। इसी के साथ आप लॉयल कस्टमर हो तो आपको बिल भी मिलता है और बिल के साथ आपको 5वें महीने में चीज़ें 3,000 की चीज़ें MRP की बिल्कुल फ्री देते हैं अगर आप लगातार 4 महीने खरीदारी करते हो। तो लॉयल कस्टमर का बेनिफिट भी दिया डायरेक्ट सेलिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, और चौथा फ़ायदा दिया कि आपके अकाउंट में पैसे डालना शुरू किया, जो आज तक हफ्ते का जो बाज़ार था वहाँ नहीं मिला, नुक्कड़ के शॉप पे नहीं मिला, मॉल में नहीं मिला, छोटे मॉल में बड़े मॉल में नहीं मिला, इसी के साथ ऑनलाइन ऐप आ गए, वहाँ से भी हमने खरीदारी की तो सिर्फ डिस्काउंट मिला, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को सचमुच राजा बनाया गया, उसको ये 4 फायदे मिलने लगे, मीन्स लगभग 50% का फ़ायदा मिलने लगा। तो मैं सारी महिलाओं को यहाँ पे एक न्योता देना चाहती हूँ कि देखो कहीं पे भी सेल लगता है तो आप भाग के जाते हो, लेकिन यहाँ पे 50% का फ़ायदा सिर्फ दुकान बदलने से, ब्रांड बदलने से, ऑनलाइन ऐप से खरीदारी करने से। लेकिन चौथा फ़ायदा मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि चौथे फ़ायदे में अपने अकाउंट में पैसे आते हैं, और इससे बढ़िया फ़ायदा, आज तक हफ्ते में बाजार लगता था तब दुकानें एक जगह पे आती थी, लेकिन वहाँ पे मेरा दुकान होने का मुझे कोई चांस नहीं मिला। फिर बाद में नुक्कड़ के गांव में अलग अलग दुकानें आई, मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे दुकान चलाने का मौका नहीं मिला। तीसरा, बड़ा मॉल या छोटा मॉल डालने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे सिर्फ डिस्काउंट तक ही सीमित रहना पड़ा, इसके अलावा मुझे कुछ फ़ायदे नहीं मिले। मेरी मॉल डालने की कैपेसिटी नहीं थी तो मुझे फ़ायदे नहीं मिले। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के ज़रिए, ऑनलाइन ऐप के ज़रिए मैंने देखा कि सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो डिस्काउंट 15-20% का डिस्काउंट सोचो, इसके साथ 10% की फ्री चीज़ें उसी खरीदारी में। तीसरा, आप लॉयल हो ये दुकान के साथ, वेस्टीज के साथ,
तो लगातार 4 महीने खरीदारी करने के बाद अगर 3-3.5 हजार की चीजें खरीदारी करते हो 4 महीने, तो 5वें महीने में मिलने लगा 3 हजार MRP का आपके चॉइस का प्रोडक्ट। मुझे बहुत पसंद आया। और चौथा फायदा, अपनी ही खरीदारी पे मेरे अकाउंट में पहले महीने आए 224 रुपये, मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और इसके बाद मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग से अगर मैं खरीदारी करती हूँ तो मैं राजा तो बनती ही हूँ, कस्टमर एक राजा बनता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बिजनेस करने का अवसर मिला, वो भी बिना लागत का। मुझे क्या करना पड़ा, तो मुझे घर, मेरे घर में जो चीज़ें लगती है, जो सामान लगता है, जो प्रोडक्ट लगता है, वो मैं सिर्फ ये दुकान से लाने लगी, तो मेरे अकाउंट में पैसे भी आने लगे और मुझे एक नेटवर्क बनाने का यहाँ पे मुझे अवसर मिला। यहाँ पे मेरा बिजनेस खुल गया, यहाँ पे मेरे मॉल खुल गए, हर राज्य में, हर सिटी में मेरे मॉल खुल गए, जहाँ पे लोग अपने अपने मोबाइल से, अपने अपने ऐप से खरीदारी करते हैं और फायदा सभी को मिलने लगा। तो मुझे ये जर्नी बहुत पसंद आई, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का ऑनलाइन शॉप, ऑफलाइन शॉप बहुत पसंद आया, क्योंकि आज तक किसी भी प्रकार के दुकान ने मुझे इस तरीके के फायदे नहीं दिए थे और मुझे बिना लागत का बिजनेस करने का अवसर नहीं दिया था। क्योंकि हम सब के नाना नानी, दादा दादी, माता पिता ने इतने लाख छोड़े हैं क्या कि आप एक बिजनेस कर सके, एक मॉल डाल सके, दुकान डाल सके? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे आपका भी दुकान ओपन होता है और आपकी दुकान के जरिए आप कई सारे लोगों की दुकानें भी खोल सकते हैं, आप एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। देखो, ये नेटवर्किंग का जमाना है। आज देखो, डॉक्टर्स के भी नेटवर्क है। आज आप देखो, जो भजन कीर्तन करते हैं उनके भी नेटवर्क है। तो नेटवर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, नेटवर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि बुरे लोग भी नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन बुरे चीज़ों के लिए। लेकिन हम एक दूसरे का फायदा भी हो, एक दूसरे को बिजनेस का अवसर भी मिले और आप एक कस्टमर बन के राजा भी बने, इसके लिए अगर आप नेटवर्क को बढ़ाते हो। आज देखो, जियो का भी नेटवर्क है, नेटवर्क के बिना उनके करोड़ों कस्टमर होना मुमकिन नहीं था, है ना? तो नेटवर्क में कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वर्क करने से अच्छा नेटवर्क करो, क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होगा, है ना? तो इसीलिए ये कंसेप्ट को, जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उसको एक बार कॉल करो और ये चीज़ को आप समझो। और अगर हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। तो यहाँ पे आइए, कस्टमर बनके राजा बनिए, फ्री रजिस्ट्रेशन लीजिए। थैंक यू सो मच।